फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मेरे पीछे दो साइकिल्स यहाँ पे रखी हुई है। ब्लू वाली जो साइकिल आप लोग देख पा रहे हो, वो साइकिल एक्चुअली परचेस हुई थी एक या डेढ़ महीने पहले, मेरे फ्रेंड ने उसे परचेस किया था। और आप लोग जो ब्लैक वाली साइकिल देख रहे हो, वो परचेस की गई कल शाम को ही। एक्चुअली ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग कल गए थे सूरत कुछ शॉपिंग करने के लिए, और पास ही में हम लोग को एक साइकिल का शोरूम दिखा, तो ये जो साइकिल है वो अनएक्सपेक्टेड परचेस हो गई थी, तो इसलिए ये व्लॉग बना रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि साइकिल में इसमें क्या क्या हम लोग को मिल रहा है और ये साइकिल कितने की है, तो देख लेते हैं उसके स्पेक्स एक बार। तो आप लोग देख पा रहे हो दोनों ही साइकिल्स यहाँ पे रखी गई है। ये जो साइकिल थी आपको मेरे पहले भी एक वीडियो में दिखी होगी जिसका नाम था माई बाइक का एक वीडियो था। तो ये साइकिल का तो मैंने ओवरव्यू नहीं दिया था, लेकिन आज इस समय उसका भी ओवरव्यू दे देंगे। तो इसमें आप लोग को देख सकते हो कि यहाँ पे पीछे की तरफ जो है ब्रेक्स, आपको वी ब्रेक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल सा जो है सिंगल स्पीड गियर है। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल सा सस्पेंशन है। और 27.5 वाइड जो भी डायमीटर है टायर का वो है। यहाँ पर आपको 2 इंच के टायर मिल जाएंगे और एक MTB बाइक यहाँ पे ये कह सकते हैं। और इसी के पास में जो रखी गई है, जो कि कल परचेस की गई थी अनएक्सपेक्टेडली, उसमें आप लोग देख पाओगे। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। ये है काया या फिर साया, आप लोग जो भी बोलोगे, तो मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ काया। तो ये काया की है वॉरियर, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे वॉरियर यहाँ पे लिखा है C26, जो कि है इसका व्हील का रिम साइज। और फ्रंट लुक अगर आपको मैं दूँ तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग दिख रहा होगा जो कि काफ़ी मोटा है। और नीचे की तरफ अगर जाए तो यहाँ पे एक आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि ये ओरिजिनल सस्पेंशन नहीं है इसका, इसमें था इस तरह का ही कुछ फिक्स्ड हार्ड हेड सस्पेंशन था, जो कि मैंने इसको चेंज करवा के ये वाला डलवाया हुआ है। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये पूरा आप लोगों को मिल जाएगा ग्लॉसी फिनिश में। जो इसके साथ था वो मैट था, एग्जैक्टली जो साइकिल का कलर है वही मैट था। यहाँ पर ये जो टायर्स है वो 3 इंच वाइड है और 26 इंच के डायमीटर से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है फ्रंट और रेयर दोनों में। और एक यहाँ पे बॉटल होल्डर भी है, जो कि ये साइकिल में भी अवेलेबल है बॉटल होल्डर। यहाँ पे सीट इजी लॉक अवेलेबल है, यहाँ पे इजीली आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो और हाइट एडजस्टमेंट जल्दी से कर सकते हो। फिर इस तरफ आके देखें तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीड मिल जाएंगी, लेकिन ये जो आप यहाँ पे गियर देख रहे हो वो गियर की साइज और उस वाली गियर में साइकिल में जो गियर है उसके थोड़ा बड़ा गियर है इस साइकिल में। तो जो कि टॉर्क आपको लगना चाहिएगा, वो साइकिल में जो टॉर्क लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है और पिकअप जल्दी से ले लेता है। और इसमें जो है पिकअप आपके लेने में थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपके पैरों के लिए थोड़ा कम्फर्टेबल रहेगा। तो ये था कुछ ओवरव्यू। और इसकी प्राइस रेंज है फ्रेंड्स 10K के अराउंड। और इसके साथ एक्सेसरीज में जो दिया गया है वो एक बॉटल होल्डर हम लोग को अलग से मिला है, ये गार्ड्स मिले हैं मड गार्ड्स, और ये लॉक कुछ इस तरह का हम लोग को अलग से दिया गया है। और ये जो आप यहाँ पे बेल देख पा रहे हो, बेल इस तरह की नहीं लगी थी इसमें। अगर आपने देखा हो तो मेरे जो वीडियो थे वो माय बाइक वाला, जो जिसमें मैंने साइकिल रेंट पे की थी और उसका एक ब्लॉग बनाया था, उसमें जिस तरह की बेल यहाँ पे लगाई गई थी, हैंडल थोड़ा सा वॉबल हो जाता है इसको इस तरह से, उसी तरह की बेल इस साइकिल में लगी थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई थी। मैंने आप लोग को वो वीडियो में भी कहा था, इसलिए मैंने चेंज करा के ये वाली बेल से इसमें इंस्टॉल की है। ये था कुछ स्पेसिफिकेशंस। आप देखते हैं कि किस तरह से साइकिल चलती है और हम लोग थोड़ा इसका टेस्ट ड्राइव भी लेने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आगे की तरफ, इसका थोड़ा टेस्ट ड्राइव करके फिर इसको मैं रिव्यू करता हूँ दोनों साइकिल्स का। तो यहाँ पे थोड़े हम लोग पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे, मुझे थोड़ा स्टेयरिंग एडजस्ट करना है और साथ ही में जो ब्रेक्स है, अगर मैं साइकिल पर बैठता हूँ तो ये जो ब्रेक्स है मेरे हाथ को एकदम स्ट्रेट रख रहे हैं, तो मुझे इस तरह से थोड़े लोअर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे एडजस्ट करके फिर अपने चलेंगे इसको टेस्ट ड्राइव करने के लिए। तो इसको करेंगे पहले एडजस्ट हम लोग। तो इस तरह का कुछ मेरे पास एलन की बॉक्स है,
तो इसमें राइट एलन क्लिक के हम लोग इसको करेंगे फिक्स। तो यहाँ पे जो 10 नंबर के अलग थे वो इसमें लगेगी। ये नट को करना, बोल्ट को करना होगा हमें लूज कुछ इस तरह से, और करेंगे हम लोग इसको डाउन। और सेम इस तरह भी ये जो स्टेयरिंग दिख रहा है मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बैंड लग रहा है, तो उसको भी कर लो मैं पहला फिक्स, उसके बाद इसको चलेंगे हम लोग। तो उसके लिए भी राइट हैंड जो दूनी पड़ेगी यही है ना कि इसमें लग जाएगी। तो यहाँ से आपको दो स्क्रू दिख रहे होंगे, सबसे पहले ये खोलना होगा। ये वाला लूज होने के बाद इसको करना होगा लूज। और लूज होने के बाद आपको जो है साइकिल के फ्रंट में आना होगा और अपने हिसाब से इसको थोड़ा टिल्ट कर लीजिए और इसको कर लीजिए फिर से टाइटन। और टाइटन करने के बाद एक बार फिर से देख लीजिए कि स्टेयरिंग जो है स्ट्रेट हो चुका है। ये है परफेक्टली स्ट्रेट। अगर आप लोग को लग रहा हो कि थोड़ा सा और टेक किसी तरफ तो आप लोग उसको इसी तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अभी इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और आपको देता हूँ मैं इसका रिव्यू कि किस तरह से साइकिल चलती है और इसमें क्या प्रॉब्लम और कॉन्स हो सकते हैं। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से कैलोरीज प्लस हो रही है, बर्न नहीं प्लस हो रही है। यहाँ पे रखी गई है उसकी साइकिल और हम लोग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं और उनको लगी है भूख, तो बोल रहे हैं अभी कैलोरीज ऐड करनी पड़ेंगी हमको थोड़े शरीर में ताकि हम उसको साइकिलिंग करके बर्न कर सके। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग ने 8 किलोमीटर अराउंड ट्रैवल कर लिया है। हमारे घर के पास ही एक बीच है जहाँ तीथल बीच बोलते हैं वलसाड़ में, तो उसी के पास हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। तो अभी दिखा देता हूँ आपके इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक बार। तो आप लोग यहाँ पे साइकिल देख पा रहे हो सामने को, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट की तरफ से। तो फ्रंट में आप लोग देख पाओगे यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को स्टंट वगैरह मारना हो, वीली वीली करनी हो, तो ये सस्पेंशन आपको काम नहीं आएंगे। आपको जो है कुछ उस तरह की हार्ड हेड वाली बाइक आपको लेनी होगी। फिर बात करें इसकी डिस्क ब्रेक की, फ्रंट और रेयर की, तो आपको डिस्क ब्रेक के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये कि आपको तुरंत अगर कहीं पर ब्रेक्स लगाने हो तो ईजिली आप इसको ब्रेक लगा के साइकिल जो है ईजिली रोक सकते हो, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये है कि डिस्क जो होती है ब्रेक मारते टाइम थोड़ी सी बैंड होती है और ये बैंड होते होते थोड़ी ज़्यादा ही बैंड हो जाती है और आप लोग को जो ये इसके पैड्स है वो कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े मोशंस के बाद उसमें टच होते हैं और आपको जो है फ्रिक्शंस करते हैं और साइकिल को थोड़ा आपको हार्ड पेंडलिंग करना पड़ता है ताकि आप इसको साइकिल को आगे बढ़ा पाओ। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था कि इसके साथ जो है इस तरह की एक मुझे बॉटल भी मिली थी, सीपर बॉटल, जो तकरीबन 1.2 लीटर्स के आसपास इसमें पानी स्टोर हो जाता है, काफ़ी बढ़िया है। और ओवरऑल साइकिल की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है चलाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप साइकिल जब भी लेने जा रहे हो तो उसका खास करके एक बार स्टेयरिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा शोरूम से लेने से पहले। यहाँ पे अगर आप लोग देख पाओ तो यहाँ पे जो स्टेयरिंग से थोड़ा सा ऑफ सेंटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये मेहनत आपको घर पे ना करनी पड़े और आप शोरूम पे उसको ठीक करा के लेके आइएगा। बाकी एक बार इसको चला के भी देख लीजिए आप शोरूम में ही कि आपको कहीं पे भी कुछ भी साउंड वगैरह कुछ भी चेन में कुछ भी नोटिस हो रहा है तो उसको सबसे पहले वहीं पे फिक्स करवाइए और घर पे लेके आइए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये बाइक मैंने जो है परचेस की थी सूरत जाके, तो आपको डिस्प्ले पे कहीं पे उनका विजिटिंग कार्ड दिख रहा होगा,
और अगर आप लोग वहाँ जाके देखेंगे उनका शोरूम पे तो आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ मिल जाएगी साइकिल की। और अगर आप लोग यहाँ पे जाके मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप साइकिल परचेस कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल सकता है। वो जो डिस्काउंट करके देंगे आपको उनके हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट करके आपको मिल जाएगा, और आपको कहीं और से साइकिल जो है कम रेट में भी मिल जाएगी। और अगर आपके पास पहले से ही कोई साइकिल हो कोई ब्रांड की, पर्टिकुलर ब्रांड की, और उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे साइकिल का नाम और उसमें क्या दिक्कत आ रही है वो, तो मैं जितना हो सकेगा उतना आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर लीजिए लाइक शेयर, और कमेंट तो आपको करना ही है कि आपके पास कौन सा साइकिल है और क्या उसमें दिक्कत आ रही है वो, और कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब आगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।